लैपटॉप को मैं और आप आज 1 लाख में खरीद पाते हैं उसकी कीमत मात्र 40,000 होने वाली है। इतना ही नहीं बल्कि सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे मोबाइल, टेलीविजन, फ्रिज, एसी, यहाँ तक कि हाथों में पहनी जाने वाली घड़ियों की भी कीमत काफी कम होने वाली है। पर अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो जाएगा कि सभी चीजों की कीमत इतनी कम हो जाएगी। तो देखिए, जितने भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें सेमीकंडक्टर नाम की एक चिप लगाई जाती है और ये इतनी जरूरी होती है कि इसके बिना कोई भी मशीन काम नहीं कर सकती। पर भारत में अभी तक कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो कि खुद से सेमीकंडक्टर बनाती हो। सारी की सारी भारतीय कंपनी इन चिप्स को बाहर देशों से मंगवाती थी, जिसके कारण ये सेमीकंडक्टर चिप्स हमें बहुत ज्यादा महंगे पड़ते थे। और सेमीकंडक्टर चिप्स बहुत ज्यादा महंगी पड़ने की वजह से सारे इलेक्ट्रिक आइटम्स जैसे मोबाइल, टेलीविजन, फ्रिज, एसी और कंप्यूटर डबल कीमत के हो जाते थे। पर भारतीय सरकार गुजरात में एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनाने जा रही है, जिसके कारण सारी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज को सेमीकंडक्टर चिप्स काफी सस्ते दामों में मिलेंगी, जिससे ऑटोमेटिकली सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों की कीमत कम हो जाएगी। और आज जो लैपटॉप हमें 1 लाख का पड़ता है वो तब हमें सिर्फ 40 से 50 हजार का ही पड़ेगा।